हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनवॉइस डिस्काउंटिंग की। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हमारी ईवी सीरीज चल रही है। इसी ईवी सीरीज से हम एक 2 हफ्ते का ब्रेक ले रहे हैं, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू डिलीवर फाइनेंशियल मॉडल्स एज वेल विथ आवर एनालिसिस ऑफ कंपनीज। हैविंग सेड दैट, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक हम कुछ छोटे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इन्वेस्ट करके आप 60 से 90 दिनों में 13-14% रिटर्न कमा सकते हैं। अगर यही हम सालाना देखें तो ये अप टू 56% रिटर्न भी आपको दे सकता है। जहां एफडीज आपको सिर्फ 5% का रिटर्न दे रही है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग आपको एज मच एज 56% पर ईयर का एनुअल रिटर्न दे सकता है। आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर यह बोला गया कि मच बेटर रिटर्न्स देन एफडी, हायर रिटर्न्स देन एफडी, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, काफी अच्छा प्रोडक्ट। बट इज इट रियली द केस? क्या इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है ही नहीं? अगर है तो वो रिस्क्स क्या है? क्या यह प्रोडक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है? ये और ऐसे सारे सवालों का जवाब देंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या है। कंसिडर कीजिए एक एग्जाम्पल मिस्टर गोपाल का। मिस्टर गोपाल की एक फैक्ट्री है जो कागज के यानी पेपर बैग्स बनाती है। आजकल तो आपको पता है पेपर बैग्स का काफ़ी चलन है, गो ग्रीन एवरीवेयर। सो ऐसे ही वो पेपर बैग्स बनाते हैं। अब उनको एक सुपरमार्केट चेन से काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। 1,00,000 पेपर बैग्स का ऑर्डर मिल जाता है और पर पेपर बैग दे हैव अग्रीड टू पे 5 रुपीज। सो ये टोटल ऑर्डर कितना हुआ? 5,00,000 रुपये का। मिस्टर गोपाल की कंपनी ये ऑर्डर प्रिपेयर करके अगले 15 दिनों में ये ऑर्डर डिलीवर भी कर देते हैं और मिस्टर गोपाल अपना इनवॉइस जनरेट करते हैं। इनवॉइस यानी बिल। अब सुपरमार्केट बोलता है, हमारी ये पॉलिसी है कि जब हम एक बार आपसे माल ले लेते हैं तो उससे अगले 90 दिनों के भीतर भीतर हम आपको पेमेंट कर देंगे, पर हमारा तुरंत पेमेंट का कोई पॉलिसी है ही नहीं। अब ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, मिस्टर गोपाल ये तो नहीं कह सकते कि आज नगद कल उधार, ऐसा बड़े बड़े बिजनेसेस में नहीं चलता है। विच इज वाई ही अग्रीज टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सुपरमार्केट। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। देखिए, मिस्टर गोपाल को भी तो किसी को पेमेंट करना है। अब मिस्टर गोपाल को जिसे पेमेंट करना है, ही इज नॉट अग्रीइंग टू दिस 90 डेज पीरियड। उसे अगले 10-15 दिन में ही पेमेंट चाहिए फॉर व्हाट एवर रीजंस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिस्टर गोपाल क्या करते हैं, वो आपके पास आते हैं। आपके पास आके बोलते हैं, देखिए मेरे पास ये 5,00,000 रुपये का इन्वॉइस है जो मैंने जनरेट किया है और अगले 90 डेज में मुझे 5,00,000 रुपये आने वाले हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते, अभी के अभी मुझे 4,50,000 रुपये दे दीजिए और जैसे ही सुपरमार्केट से पेमेंट आ जाए वो पूरा 5,00,000 रुपये का पेमेंट आप रख लीजिए, क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। मैं आपको ये डिस्काउंट में दे रहा हूँ, ये इनवॉइस मैं आपको डिस्काउंट में दे रहा हूँ। विच इज़ वाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो 4,50,000 के ऊपर 50,000 रुपये का प्रॉफिट आपका, वो भी अगले 60-90 डेज में। सुनने में तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी सोच रहे होंगे कि अरे यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस्टर गोपाल को पैसा चाहिए वो मैं दे देता हूँ और जब सुपरमार्केट से पैसा आ जाएगा वो मैं रख लूंगा, मेरा भी मुनाफा, मिस्टर गोपाल की भी सहूलियत, यानी विन विन सिचुएशन, राइट? रॉन्ग। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं, पर हर कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग का रूप नहीं लेता। तो फिर उनके पास ऑप्शंस कौन से होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन, मैनेज द क्रेडिट साइकिल। अब क्रेडिट साइकिल यानी क्या? हमें जितने दिनों में पैसे आने वाले हैं और हम जितने दिनों में पैसे पे करने वाले हैं, इन दिनों को मैच करना, विच इज कॉल्ड मैनेजिंग योर क्रेडिट साइकिल। आपके जो सप्लायर्स है उनसे आप बात कीजिए, उनको आप बताइए कि देखिए ये एक बहुत बड़ी डील थी, विच इज वाई मुझे ये थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा। आप भी समझ लीजिए, अगर मेरा फायदा हो रहा है तो आपका भी फायदा होगा, आगे जाके आपको भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। ये या ऐसे कई सारे नेगोशिएशंस करके बहुत सारे बिजनेसेस अपना क्रेडिट साइकिल मैनेज करते हैं। सेकंड ऑप्शन आ जाता है वर्किंग कैपिटल लोन। जी हाँ, बैंक्स लोन देती है ऐसे एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। वर्किंग कैपिटल यानी क्या? वर्किंग कैपिटल यानी आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स जो आ जाते हैं, सैलरीज पे करनी है, किसी के बिल पेमेंट करने हैं, कहीं रेंट पे करना है, ऐसे सारी चीजों के लिए आपको बैंक से लोन मिलता है, प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड क्रेडिट रेटिंग। मिस्टर गोपाल ये नहीं कर पा रहे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनके पास क्रेडिट रेटिंग नहीं है। थर्ड ऑप्शन, आप अपना कैश रिजर्व बना के चल सकते हैं। अब मिस्टर गोपाल को अगर ये एंटिसिपेटेड है कि ऐसे ही ऑर्डर्स आने वाले हैं तो वो अपना जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, उसमें से कुछ पैसा ऑलरेडी कैश में रख सकते हैं जो ऐसे डे टू डे खर्चों के पेमेंट करने के लिए काम में आ सकता है।
ये ब्रॉडली तीन तरीके हो गए जहां पर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो तीन तरीके हैं, दीज आर चीपर कंपेयर टू इनवर्स डिस्काउंटिंग। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखिए, अगर आप अपना क्रेडिट साइकिल मैनेज करते हैं तो यू आर पेइंग 0% इंटरेस्ट। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं, तो भी फॉर 60-90 days अगर आप लोन ले रहे हैं तो यू आर पेइंग मैक्सिमम 4-4.5%। एंड इन द थर्ड ऑप्शन, अगर आप अपना कैश रिजर्व बना के चलते हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर अगर हम कर ले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी क्या, तो अगर वो पैसा आपने बैंक में रखा होता तो आपको इंटरेस्ट मिला होता, उस इंटरेस्ट को भी अगर हम कंसिडर करें तो 5% या 6% से ज़्यादा तो कोई बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दे भी नहीं रहा है। बट अगर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग के रूट पे जा रहे हैं सो यू आर पेइंग एज हाई एज 20-22%। क्योंकि अगर आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर 13-14% रिटर्न मिल रहा है तो प्लेटफॉर्म्स को भी 7-8% उसमें से मिल रहा है, यानी टोटल इनवॉइस डिस्काउंटिंग कितना हुआ? अप्रॉक्सिमेटली 20% का इनवर्स डिस्काउंटिंग हुआ। तभी आपको 13-14% मिला और बचा हुआ प्लेटफॉर्म्स को, यानी जिस वेबसाइट से आप ये इनवॉइसेस खरीदते हैं उनको भी मिला। इतना महंगा रास्ता कोई भी बिजनेस क्यों चुनेगा? मोस्ट प्रोबेबल रीजन इज, एक तो वो बहुत छोटा बिजनेस है, सेकंड उनका क्रेडिट रेटिंग नहीं है, एंड थर्ड उनके पास कैश नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टर गोपाल जैसे जो लोग हैं उनका बिजनेस खराब है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई इज दैट ऐसे बिजनेसेस में रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अब ये तो हो गया एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव जहां पर वो क्या क्या कर सकते थे ये हमने बताया, पर आपका और मेरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कौन से रिस्क आ जाते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग में? सबसे पहले रिस्क है पर्सनल गारंटी। जब आप किसी से उसका इनवॉइस खरीद रहे हैं तो देर इज नो कोलेटरल, कोई चीज उन्होंने गिरवी नहीं रखी है आपके पास। अगर कल पैसा नहीं आता है तो आपके पास कोई भी ऐसी चीज गिरवी नहीं है जिसे बेच के आप अपना नुकसान कम कर पाएंगे। सेकंड, क्रेडिट रिस्क। अब यहां पर तो हमने सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया, पर फॉर सम रीजन अगर वो बिजनेस डूब जाता है और आपको पैसा ही नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? वो तो पूरा पैसा गया। थर्ड, डिले इन पेमेंट्स। करंट सिचुएशन ही कंसिडर कर लीजिए, कोरोना में बहुत सारे सुपरमार्केट्स एक्सटेंडेड पीरियड के लिए लॉकडाउन में थे। ऐसे में सुपरमार्केट्स नेचुरली ये बोलेंगे कि हमारे पास अभी पैसा ही नहीं है, आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में आर यू रेडी टू रिस्क योर कैपिटल इन सच प्रोडक्ट्स? एंड फाइनल रिस्क, डिस्प्यूट विद क्लाइंट। कंसिडर कीजिए मिस्टर गोपाल ने जो इनवॉइस जनरेट किया, एक 10 या 20 दिन बाद वो सुपरमार्केट वापस आता है और बोलता है कि आपके तो प्रोडक्ट्स ही फॉल्टी थे। अब आप क्या करेंगे? मिस्टर गोपाल को तो पैसा मिल गया, इनवॉइस आपके पास है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग खराब है। माय सोल पॉइंट इज दैट यू शुड अंडरस्टैंड द रिस्क्स और फिर ही ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मैं मेरे बारे में सोचूं तो मेरा तो ये क्लियरली कहना है कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स या NBFCs के लिए ज्यादा सुटेबल है, क्योंकि उनके पास ऐसी सिस्टम्स होती है जो इन सारी रिस्क को मिटिगेट कर सकती है। अगर कल कोर्ट में भी जाना पड़े तो दे हैव लॉयर्स, दे हैव टाइम एंड दे हैव पेशेंस। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड लीगल मैटर्स एज वेल। हाउएवर, दिस इज जस्ट माय ओपिनियन फॉर माय सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप ये रिस्क कंसिडर करके भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गो फॉर इट। फ्रेंड्स, उम्मीद है अब आपको इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ चेन इज एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक इन दैट चेन। एंड इट इज माई फर्म ओपिनियन कि कैपिटल मार्केट्स में वीकेस्ट लिंक होते हैं आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारे पास उतना पेशेंस नहीं होता, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, एंड हमारे पास ऐसी सिस्टम्स नहीं होती कि अगर किसी प्रोडक्ट में लॉसेस आ जाए तो हम उससे कोप अप कर पाए। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अवेयर कि ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को रेगुलेट कौन करता है। ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें परमिशन दी है, बट इन माई फ्रैंक ओपिनियन आई डोंट थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वेल सुटेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस। आल्सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।